Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all my dear students? So today I have come with the video for class 7th fractions. जैसे कि हम अभी fractions chapter ही कर रहे हैं, fraction chapter का basic start करा हुआ है हमने, तो आज हम करेंगे fractions में arrange in ascending order. अच्छा, ये एक ऐसा topic है जिसमें बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा confusion होता है कि फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर वैसे सबको आता है. अगर नंबर्स लिखे हो, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा. सबसे पहले हम लिखेंगे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. ये होता है असेंडिंग ऑर्डर. लेकिन नंबर्स में तो हम कर लेते हैं, फ्रैक्शन में असेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे? अगर फ्रैक्शंस है तो हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे सॉरी अरेंज करेंगे? ठीक है, तो देखो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें जाननी है फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, वो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो अगर आप आ रहे हैं चैनल में फर्स्ट टाइम, देन गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो आफ्टर यू हैव सीन इट एंड लाइक इट ऑल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो बेटा एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि जब भी आप फ्रैक्शंस को अरेंज कर रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपके डिनोमिनेटर हमेशा क्या होने चाहिए? सेम. डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? सेम. एक बार अगर आपके ये डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो बस आप न्यूमरेटर को कर देंगे कंपेयर. ये जो डिनोमिनेटर्स है, अगर ये सेम होंगे तो आप सीधा सीधा न्यूमरेटर को कंपेयर कर देंगे. मानो अगर यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर सेम होते, अगर ये सारे डिनोमिनेटर 20, 20, 20, 20 होते, तो सबसे पहले 4, फिर 7, फिर 8, फिर 13. आप सीधा सीधा न्यूमरेटर को कर देते कंपेयर. ठीक है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग हो गए, फिर आप न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को करना पड़ेगा सेम. तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, वो हम लेंगे LCM of the denominators. Denominators को सेम करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा LCM. तो LCM लेंगे denominators का, LCM of 5, 15, 10 and 20. चारों नंबर्स का लेंगे LCM. LCM सबको लेना आता होगा, फिर भी मैं अगर बता देती हूँ 5, 15, 10 and 20. तो LCM लेने के लिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं. अगर कोई एक भी नंबर 2 के टेबल में जा रहा होगा, तो हम 2 को लिखेंगे, चाहे एक ही जा रहा हो. 2 के बाद 3 देखेंगे, 3 के बाद 5 देखेंगे, मतलब 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर नहीं देखेंगे आप. 2 के अलावा 2 एक अकेला इवन नंबर है जो देखेंगे, उसके बाद सारे ऑड देखने हैं. ठीक है, जैसे प्राइम नंबर्स देखते हैं, पर मैं आपको कंफ्यूज ना करने के लिए ऑड बोल रही हूँ. तो इस नंबर्स में ये दोनों नंबर 2 के टेबल में जाते हैं. तो 2 5 तो नहीं जाता, 5 एज इट इज लिख दो. 15 भी नहीं जाता, पर 10 जाता है. 2 5 ज 10, 2 के टेबल में 20, 10 ज. दोबारा देखेंगे 2 से, क्या कोई भी नंबर 2 के टेबल में जाता है? 10 जाता है. तो जो नहीं जाते उन्हें एज इट इज लिख देंगे. 5 15 5 और 2 के टेबल में 10, 5 ज, ये लिख दे 5. अब 2 के टेबल में कोई नंबर नहीं जाता, 2 के बाद देखेंगे 3, 3 के टेबल में 15 जाता है, तो 3 लिखेंगे. 3 5 एज इट इज, 3 के टेबल में 15, 5 ज, 5 एज इट इज, 5 एज इट इज. अब 3 के टेबल में कोई भी नहीं जाता, 4 नहीं देखना, इवन नंबर है, 5 देखेंगे. 5 के टेबल में चारों जाते हैं, 1 ज, 5 1 ज, 1 1 ज एंड 5 1 ज. तो अब जब सारे चारों नीचे 1111 हो जाएंगे, सारे नंबर्स 1111 हो जाएंगे, मतलब हमारा एलसीएम अब कंप्लीट हो गया है. तो एलसीएम निकालने के लिए इन सारे नंबर्स को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. 2 टू ज 4, 4 3 ज 12, 12 5 ज 60. तो हमारा एलसीएम आ गया 60. फर्स्ट स्टेप क्या है? अगर आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप सारे डिनोमिनेटर्स का लेंगे एलसीएम. और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम सारे डिनोमिनेटर्स का क्या ले लेंगे? एलसीएम. हमारा पहला स्टेप हो चुका है कंप्लीट.
एलसीएम आ गया 60। अब सारे फ्रैक्शंस एक बार दोबारा लिखेंगे यहाँ पे, 4/5, 8/15, 7/10 एंड 13/20। चारों फ्रैक्शंस मैंने दोबारा लिख दिए यहाँ। चारों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को मुझे बनाना है एलसीएम के बराबर। सेकंड स्टेप क्या है, सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हमें बनाना है एलसीएम के बराबर। तो इसको बनाएंगे 60 के बराबर, तो 5 के टेबल में 60 कितना जाएगा, 12 5 12। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि 5 के टेबल में 60 कितना जा जाएगा, 5 1 5, 6 - 5 = 1, 5 2 10। तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि 5 के टेबल में 60 कितने आ जाएगा, 15 के टेबल में 60, 4 जा, 10 के टेबल में 60, 6 जा, और 20 के टेबल में 3 जा। मैंने बताया है ना, जीरो नहीं देखते, 2 3 जा 6, साथ में 0 आ जाएगा। 2 के टेबल में 6 कितने आ जाएगा, 3 जा जाएगा, 0 तो साथ में एडेड ही है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप है सारे डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के बराबर बनाना। अब जिस नंबर से आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप, जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहां पे भी हो जाएगा इंटू 12, यहां पे भी हो जाएगा इंटू 4, यहां पे भी हो जाएगा इंटू 6, और यहां पे हो जाएगा इंटू 3। Now 4 into 12, 12 4s are 12 into 12, 24, 36 and 48. 48 upon 60. नीचे तो हमने 60 बनाया है सबको. Then 8 4s are 32 upon 60. Then 7 6s are 42 upon 60. Then 13 3s are 39 upon 60. ठीक है? अब हमारा फ्रैक्शन इस पोजीशन में आ चुका है कि सारे डिनोमिनेटर्स हो गए हैं सेम। जब सारे डिनोमिनेटर्स हो गए सेम तो न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेंगे। ये हो गया सबसे छोटा नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, 42 नंबर 3 एंड 48 सबसे बड़ा नंबर 4। तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। सबसे पहले है 32/60, देन 32 के बाद है 39/60, 39 के बाद है 42/60 एंड लास्ट है 48/60। याद रखिए क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं था, तो आंसर भी उसी फॉर्म में देंगे जिस फॉर्म में क्वेश्चन था। तो 32 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 8/15। मल्टीप्लाई करने से पहले वाला फॉर्म क्या है, 8/15 जो क्वेश्चन में था, 8/15 मल्टीप्लाई करने से पहले ये फ्रैक्शन था ना, तो 32 वाला फ्रैक्शन है 8/15। तो ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे 8/15। फिर 39 वाला फ्रैक्शन है 13/20, देन 42 वाला फ्रैक्शन है 7/10 एंड 48 वाला फ्रैक्शन है 4/5। So here we have arranged the fraction in the ascending order. Ascending order मतलब छोटे से बड़ा। So I hope this is clear कि अगर आपके fractions में denominator same नहीं है तो आप compare नहीं कर सकते। Compare करने के लिए आपको सारे denominators को same करना पड़ेगा। Denominators को same करने के लिए हमने सारे denominators का लिया LCM। जो भी एलसीएम आ गया वो हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में हम सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाएंगे। सारे डिनोमिनेटर्स को हमने एलसीएम के बराबर बनाया इनटू करके। नंबर 3 स्टेप में जिससे हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। नया फ्रैक्शन आ गया हमारे सामने। जब नया फ्रैक्शन आया तो सबके डिनोमिनेटर थे सेम, डिनोमिनेटर सेम थे, हमने कंपेयर कर दिया, कंपेयर करके लिखा और उनकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में वो हमें क्वेश्चन में गिवन थे। और इस तरह हमारा जो फ्रैक्शन है वो अरेंज हो गया किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। सो आई होप दिस इज क्लियर। विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ असेंडिंग के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर भी है,
फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिविजन ऑफ फ्रैक्शन, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रैक्शन विल कंप्लीट द एंटायर सिलेबस. एंड चिल्ड्रन ऑल द बुक्स हैव सेम कॉन्सेप्ट. ऐसा नहीं है आप किसी भी बुक को यूज कर रहे हो, कोई भी बुक है आपके पास, द कॉन्सेप्ट इज सेम इन एवरी बुक. सिर्फ फर्क क्या होगा, डिजिट्स का फर्क होगा, बट द कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज द सेम. सो यू कैन लर्न फ्रॉम हियर एंड देन ट्राई द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक. स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सॉल्व इट एंड हेल्प यू. ओके सो चिल्ड्रन, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय बाय, टेक केयर.